अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम एक वाईफाई कैमरे का रिव्यू करने जा रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये मॉडल है रेंजर 2, तो इसका हम रिव्यू करेंगे। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं पहले मैं इसके अंदर बता देता हूँ कि इसमें फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले मॉडल नंबर बताता हूँ, इसका मॉडल नंबर है IPC-A22EP-G। ठीक है, उसके अलावा इसमें फीचर्स जो हैं वो इस तरह के 1080p है, यानी 1080 पिक्सल्स पे काम करता है, 2 मेगापिक्सल कैमरा है, और 2-way टॉक यानी आवाज़ जा भी सकती है और आ भी सकती है। ठीक है, इसके अलावा साउंड डिटेक्शन से होता ही है कि जैसे ही आप कहीं से आवाज़ आएगी उस तरफ मूव होके वहाँ की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देगा। और 360 मूवमेंट है इसकी, यानी कि लेफ्ट राइट पूरा चारों तरफ घूमता है। ठीक है, इसके अलावा स्मार्ट ट्रैकिंग है, जैसे कोई स्पीड से गुजरे तो उसकी भी ट्रैकिंग करता है ये। और इसके अलावा नाइट विजन है, अलार्मिंग जोन भी है, एसडी कार्ड, क्लाउड और NVR तीनों चीज़ों पे रिकॉर्डिंग करता है ये। ठीक है, इसके अलावा मोशन डिटेक्शन तो हो गया, और वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाता है। मोबाइल अलर्ट्स भी है, जैसे कि आप कोई मोशन डिटेक्शन हुई फ़ौरन आपके मोबाइल पे अलर्ट्स आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद शेड्यूल अलार्मिंग सिस्टम भी है इसमें, और 16 जूमिंग ऑप्शन है, 16 डिजिटल जूम इसमें मौजूद है। अच्छा जी, अब इसके हम रिव्यू की तरफ जा रहे हैं, इसको अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, तो लेट्स सी। अच्छा जी, अब इसको हम अनबॉक्स करते हैं, इसके अंदर क्या क्या सामान है देखते हैं। सबसे पहले तो हमें वही बुक मिलती है, बुक मैनुअल बुक, इसमें किस तरह से इंस्टॉलेशन होगी, ये है इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में भी है और डिफरेंट लैंग्वेजेस में, तो वो आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा क्या चीज़ है, प्रोटेक्शन, बड़ी सेफ्टी से पैक हुआ हुआ है, और ये दूसरी इसकी मैनुअल बुक है, ये भी दूसरी लैंग्वेज में। ये आ गया हमारा स्मार्ट कैमरा, बड़ी खूबसूरत पैकिंग के अंदर है, देखें ये स्मार्ट कैमरा आ गया। अब इसको हम अभी रखते हैं इसके अंदर, बॉक्स के अंदर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें। ठीक है, इसमें एक अदद 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट 1 एम्पेयर का, 5 वाट का एडोप्टर है। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं इसमें, ये स्क्रू हैं जिससे ये वॉल माउंट होगा, ये इसकी चार्जिंग केबल है। ठीक है, और ये इसका ब्रैकेट है, जैसे कि दीवार में लगाना है या जहाँ पर भी लगाना है आपने, ये ब्रैकेट के अंदर लगेगा। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज़ें हम करते हैं, और तो कुछ नहीं है। और इसमें बार कोड का एक वो होगा, ओ सॉरी, ये आप दीवार में लगा के इसको स्क्रू के लिए होल करेंगे। ठीक है, ये वो चीज़ें। चलें अब हम इसकी तरफ आते हैं, कैमरे को बाकी चीज़ें साइड पे करते हैं। फ्रेश कैमरा निकला है, ये देखिए जी, ये कैमरा है आईमो रेंजर 2। ठीक है, यहाँ से ये आपका स्पीकर है, ये चार्जिंग लीड लगेगी यहाँ पर, और यहाँ नेटवर्क की केबल, अगर नेटवर्क पे आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो नेटवर्क केबल डलेगी, अगर वाईफाई पे थ्रू करना चाहें तो वाईफाई पे ऑलरेडी बिल्ट इन है इसमें। ठीक है, अब हम इसको इसकी सेटिंग दिखाते हैं कि किस तरह से ये वर्किंग करेगा। अच्छा जी, ये इसमें हम पिन लगा देंगे, पिन ऐसे लगेगी, हमने पिन लगा दी, ये ऑन हो गया। ठीक है, ये ऑन हो गया हमारा कैमरा। अब हम इसकी
कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, किस तरह से करेंगे ये मैं आपको मोबाइल पे जाके, मोबाइल स्क्रीन पे जाके आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये हमने इसको आईफोन से कर रहे हैं, तो हमने इसमें गए, हम सर्चिंग करी, हमने आई एम ऑन लाइव लिखा है हमने, ठीक है। इसमें जो पहले नंबर पे आ रहा है, ऊपर तो ऐड आ रहा है, नीचे जो आ रहा है आई एम ऑन लाइव, तो इस पर हमने डाउनलोड किया। अब डाउनलोड हो गया, इसे ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर इसको अलाउ करेंगे, इसको भी अलाउ करेंगे। अब साइन अप करेंगे हम, साइन इन नहीं, साइन अप करेंगे, ठीक है। साइन अप क्लिक किया हमने, अब पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ओके। आईडी पासवर्ड डालेंगे, आपका जो जीमेल का या जो भी आईडी बनी हुई होगी वो डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे इसमें, ठीक है। मैंने किया तो वेरिफिकेशन मांग रहा, तो जीमेल पे आपकी वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो ये मैंने उसमें डाल दिया देख के। अभी इसको सब्सक्राइब कर लें चाहे तो ना करें, ठीक है। ठीक है, मैंने आईडी पासवर्ड डाला, आप ये ओके कर दिया। अच्छा, किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं ये आएगा इसमें, फिर इसके बाद इन सबको ओके 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 कर देंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं इसकी तरफ कि हम इसको डिवाइस को ऐड करें, ऐड किया हमने तो गॉट इट कर देंगे इसको, अलाउ, ठीक है। स्कैन करेंगे अब हम, ये स्कैनिंग का ऑप्शन जो कैमरे के बैक साइड पे होता है, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट। देखें ये शो बता रहा है कि हमें एलईडी ब्लिंक करनी चाहिए स्लो स्लो। अच्छा, इसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद ये डिवाइस का, कैमरे का वाईफाई कनेक्ट हो गया। अब उसने राउटर का आईडी पासवर्ड मांग रहा है, राउटर का आईडी पासवर्ड डालेंगे हम, अब ये ऑटोमेटिकली जैसे ही राउटर से कनेक्ट हो जाएगा तो फिर ये हमारे पास ऑनलाइन शो करेगा। ये देखें आ गया, इसको डन करेंगे, तो जैसे ही डन करेंगे वैसे ही ये ऑनलाइन आ गया। आप नाम कोई भी दे सकते हैं इसमें, जैसे आप किचन में लगा रहे हैं, कहीं भी लगा रहे हैं, जो भी आप नाम देना चाहें वो दे दें। अब हम इसमें सेलेक्ट करेंगे कराची, क्योंकि मैं कराची में बैठा हूँ इसलिए कराची लिखेंगे। अगर आप किसी और शहर में हैं या किसी और मुल्क में हैं तो वो आप सर्च करेंगे, तो फॉर्मेट भी चेक कर सकते हैं आप इसमें। डन। अच्छा, ये क्लाउड में 7 डे की रिकॉर्डिंग आपको फ्री ट्रायल लेता है, आप 7 डे की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसमें 1 महीने तक, ठीक है। उसके बाद आपको परचेज करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब हम कैमरे को ऑनलाइन देखेंगे, ये कैमरा कनेक्ट हो गया है हमारा। अच्छा जी, ये कनेक्ट हो गया है, तो अब हम इसमें आप इसको मूव करेंगे, PTZ ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये मूव होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, अप डाउन लेफ्ट राइट करेंगे, ठीक है जी, ये मूव कर रहा है। हेलो हेलो हेलो।
अच्छा जी, ये था इसकी सारी सेटिंग वगैरह जिस तरह से आपको मैंने इसमें दिखाया कि किस तरह से सारी सेटिंग है। उम्मीद है आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। इसको इसी तरह से इंस्टॉलेशन करनी होती है। सारा सेटअप बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हैं।
अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।